हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विटॉक ब्लॉग्स में। कपकेक्स तो आपने कई तरह के खाए होंगे, तो आज हम बनाएंगे रेड वेलवेट चॉको चिप्स वाले कपकेक्स। ये बिना अंडा बिना ओवन के बनाएंगे, घर पे ही कढ़ाई में बनाएंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। तो चलिए एकदम सॉफ्ट और ईजी कपकेक्स बनाना शुरू करते हैं। कपकेक्स बनाने के लिए देखिए, पहले हम इसके मोल्ड को रेडी करेंगे। तो मैंने कपकेक्स का मोल्ड लिया है और उसमें मैंने ये पेपर रखा है कपकेक बनाने वाला। इसमें मैं थोड़ा थोड़ा ऑयल डालूंगी और इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा मैं ऑयल डाल रही हूँ और अब इसको ब्रश से मैं ग्रीस कर लूँगी अच्छे से। तो इस तरह से सारे मोल्ड को हमें ग्रीस कर लेना है। तो देखिए, मैंने ग्रीस कर लिया है। तो चलिए अब पहले गैस की तरफ चलते हैं। तो गैस पे मैंने एक कढ़ाई रखा है, इसमें मैंने एक स्टैंड रख लिया है और अब इसको ढक के प्रीहीट होने के लिए रख देंगे। अब इसका बैटर तैयार करेंगे। तो बाउल के ऊपर मैंने एक छन्नी रख लिया है, इसमें एक कप मैं मैदा डाल रही हूँ। उसके बाद मैं आधा कप पीसी हुई चीनी डाल रही हूँ। फिर यहाँ पर मैं मिल्क पाउडर डाल रही हूँ, तो एक तिहाई कप है, और एक चम्मच यहाँ पे कोको पाउडर डाल रही हूँ। यहाँ एक चम्मच मैं बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ, आधा चम्मच बेकिंग सोडा डाल रही हूँ। अब ये सारी चीज़ों को हम अच्छे से छान लेंगे चला के। तो ये देखिए, सब छान लिया है मैंने अच्छे से। जो भी एक्स्ट्रा है उसका छन्नी में रह गया है। अब इसमें मैं इसको पहले अच्छे से एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। और अब यहाँ पे मैं दूध ली हूँ, तो 3/4 कप मैंने दूध लिया है। तो सारा दूध मैं एक साथ नहीं डालूँगी, थोड़ा थोड़ा दूध डालूँगी और इसको हम मिक्स करते जाएंगे। तो एक ही डायरेक्शन में मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, या कट एंड फोल्ड के मेथड में भी आप मिक्स कर सकते हैं। तो देखिए, मैं एक ही डायरेक्शन में उसको घुमा घुमा के मिक्स कर रही हूँ। तो ये देखिए, बैटर को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे मैं इसमें ऑयल डालूँगी। तो 1/4 कप मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल लिया है और 1 चम्मच विनेगर। अब ये भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको भी। तो हल्के हाथों से इसको मिक्स करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब यहाँ पे आधा चम्मच मैं वनीला एसेंस डाल रही हूँ और यहाँ पे रेड वेलवेट बना रही हूँ, तो इसलिए मैं रेड जेल कलर डाल रही हूँ इसमें। तो 2 से 3 ड्रॉप्स डालने हैं। और फिर अब ये सारी चीज़ों को भी हम मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारा कलर कितना अच्छा आया है। देखिए, मिक्सचर हमारा पूरा रेडी हो गया है। तो इस तरह से रिबन की तरह गिरना चाहिए। तो ये देखिए, हमारा मिक्सचर जो है पूरा रेडी हो गया है। तो चलिए अब भरेंगे। तो अब यहाँ पे मैं 1 चम्मच ले रही हूँ और उसकी सहायता से मैं इसमें सारे कपकेक्स भर दूंगी सब में। तो ज़्यादा नहीं भरना है, आधा आधा भरूंगी मैं। तो मैं 2-2 चम्मच सब में डालूंगी। इस तरह से मैं सारे में भर लूँगी पहले। तो बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत जल्दी बन जाती है, खास करके बच्चों के लिए। बच्चों को कपकेक्स बहुत पसंद आते हैं। तो ये देखिए, मैंने सब भर लिया है। अब इसको थोड़ा सा टैप कर लेंगे ताकि अच्छे से ये सेट हो जाए। तो ये देखिए, मैंने टैप कर लिया है और अब इन सब पे मैं थोड़े थोड़े चोको चिप्स डाल रही हूँ। तो चोको चिप्स ऑप्शनल है, बच्चों को अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो इसलिए मैं डाल रही हूँ इसमें। तो सब में डाल लेंगे। तो ये देखिए, मैंने डाल दिया है। अब हमारा जो है ये रेडी हो गया है कपकेक का बैटर। अब हम इसको कढ़ाई में रखेंगे। तो कढ़ाई भी हमारी प्रीहीट हो गई है और अब इसमें हम ये स्टैंड रख देंगे।
और इसको हम फिर से ढक देंगे 20 से 25 मिनट। तो 20 से 25 मिनट बाद हम मिलते हैं। ये देखिए 25 मिनट हो गया है, अब चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए हमारा कपकेक्स बनके कितना अच्छा सा रेडी हो गया है, बिना ओवन के कढ़ाई में इतना अच्छा ये कपकेक बना है। तो अब टूथपिक डाल के और चेक भी कर लेंगे, सेंटर में डालेंगे कि पका है कि नहीं। तो देखिए पक गया है एकदम अच्छे से, और बस अब इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो ये देखिए मैंने बाहर निकाल लिया है, थोड़ा ठंडा होने देते हैं। तो ये देखिए ठंडा हो गया है, और अब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि कितना सॉफ्ट बना है और स्पंजी बना है। तो ये देखिए अब हाथों से दबा के दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को कि कितना ये यम्मी सा बना है बिना अंडा के। तो अब देखिए मैं आप लोगों को कट करके भी दिखा रही हूँ कि इसके अंदर का भी टेक्सचर आप देख सकते हैं कि कितना यम्मी सा बना हुआ है कपकेक। तो इस तरह से ये कपकेक्स आप भी ट्राई कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं ऐसे ही कुछ नए मज़ेदार रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।